इंसान को नहीं देख पाई जिया शंकर। आज मुझे ऐसा लगता है कि सर सब जगह पर जो है लाइव 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 ही होने वाला है। पहले एल्विश, अब जिया शंकर, और जब जिया शंकर लाइव आई तब एक्चुअली में उनके फैंस कम उस लाइव में जुड़े और अभिया फैन और फुकरा फैन काफी सारे जुड़े, जहां पर लोगों ने जिया शंकर को भाभी 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 बोलना शुरू कर दिया। इसी बीच में लाइव के चलते हुए फुकरा इंसान भी लाइव देख रहे थे, तो अपने इंस्टाग्राम से फुकरा इंसान ने बिग फैन मैम ये चीज लिख दी, जहां पर जिया शंकर जो है इस मैसेज को देख नहीं पाई, इस कमेंट को देख नहीं पाई और उसने रिप्लाई तक नहीं दिया। अगर वो रिप्लाई दे देती तो मुझे ऐसा लगता है कि जिया शंकर का ये लाइव और भी ज्यादा बेटर, और भी सारे लोग जुड़ते और भी ज्यादा बातें जो है डेफिनेटली होती जिया और फुकरा इंसान के लिए। क्या कहते हैं, अब आप इनकी दोस्ती के ऊपर या मतलब कि क्या कहना चाहेंगे फुकरा इंसान के ऊपर, क्या कहना चाहेंगे अब जो कि जिया शंकर को वो बिग फैन बोल चुके हैं बाहर आने के बाद भी, और जबकि एक्चुअली में उनको पता तो चला ही होगा कि आखिरकार जिया शंकर ने, मेकर्स ने उनके साथ क्या सब चीजें की है, जिया शंकर को कितना हेट मिला, और जिया शंकर के साथ बिल्कुल भी उनके फैन, खुद के फैन जिया शंकर के साथ उनको पसंद नहीं करते। तो क्या ये करना सही था आपके लिए, क्या है आपका कहना बताइए जरूर। इसी के साथ मैं लेती हूं इजाजत, नमस्कार।